जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के सेशन से आप कम से कम 2 अंक एग्जाम में प्राप्त करेंगे। तो आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम हो, चाहे RO हो, BDO हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, कोई सा भी जिसमें हिंदी का वेटेज होगा, वहाँ पे ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आज हम देखेंगे लगभग, हो सके तो 50, अगर समय रहा तो 100, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। देखिए, मेरे जवाब देने से पहले आप ना वीडियो रोक के जवाब देते रहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे हम अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथनीय। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। समय की दृष्टि से जो अनुकूल हो उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं समयानुकूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो सब कुछ जानता है उसको हम बोलते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। जिसकी गर्दन सुंदर हो, ठीक है, तो होगा कोई आपके नजर में जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सुग्रीव, ठीक है, सुग्रीव। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। लौकिक शब्द का क्या अर्थ है? लौकिक शब्द का व्याख्यान क्या होगा? तो दोस्तों, जो इस लोक की बात हो उसको ही हम बोलते हैं लौकिक, ठीक है। जो इस लोक की बात ना हो उसको हम बोलते हैं प्रलौकिक, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दोस्तों, पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत कहलाता है। क्या कहलाता है? दंपत। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत कहलाती है अधिनियम, ठीक है। क्या कहलाती है? अधिनियम। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? इसको हम दोस्तों एक शब्द में कहते हैं नवीनीकरण। क्या कहते हैं? नवीनीकरण। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुस्मारक। क्या कहलाता है? अनुस्मारक। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको हम कहते हैं देशद्रोही। क्या कहते हैं? देशद्रोही। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दावानल, ठीक है। सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना है क्वेश्चन को लेकर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? दोस्तों, उसको हम बांझ कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। रसामौदान को क्या कहते हैं? दोस्तों, रसामौदान का व्याख्यान क्या होता है? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसी रस का उपभोग करना, ठीक है। किसी रस का उपभोग करना कहलाता है रसामौदान, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 15 वर्णातीत, ठीक है। वर्णातीत का अर्थ क्या होगा? इसका व्याख्यान क्या होगा? इसका व्याख्यान होगा दोस्तों वर्ण से परे, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के ऊपर। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है एक शब्द में? तो दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं एक शब्द में? प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरापेक्षी। क्या कहलाता है? उत्तरापेक्षी। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 17 के ऊपर। जिसके समान दूसरा ना हो उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं अप्रतिम, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के ऊपर। जहां पहुंचा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगम। और जहां पे पहुंचा ना जा सके, जो बहुत ज्यादा मतलब कठिनाइयों से भरा हो, उसको हम बोलते हैं दुर्गम, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। जो बहुत बातें करता हो उसको हम क्या कहते हैं? जो बहुत बातें करता हो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं वाचाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के ऊपर। अतिवृष्टि का जो व्याख्यान है वो क्या है, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। उसको बोलते हैं दोस्तों, व्याख्यान क्या है? अत्यधिक वर्षा होना, उसको बोलते हैं अतिवृष्टि, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के ऊपर।
अनुमति, इसका व्याख्यान क्या है? इसका तो आपको पता ही होगा। प्रश्न नंबर 21 का क्या हो सकता है? किसी कार्य के लिए सहमति देना, उसी को हम बोलते हैं अनुमति। ठीक है, चलिए बात करेंगे अन्य टॉपिक के ऊपर। अन्योन्याश्रित का क्या अर्थ है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरओ में पूछा गया था। ठीक है, आरओ का प्रश्न है, तो बताइए अन्योन्याश्रित का क्या मतलब है। तो दोस्तों जिन्होंने इसके पहले मेरा एक सेशन था, ठीक है, वो क्या था, शुद्ध वर्तनी, वहाँ पे भी आया था, तो वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्या होता है, समुद्र में जो कोरल रीफ्स होती हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स यानी कि प्रवाल भित्तियाँ, ठीक है, तो प्रवाल भित्तियों में क्या होता है, प्रवाल भित्तियाँ क्या करती हैं, उनके साथ एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं ज़ूज़ेन्थैलिया। ठीक है, तो ज़ूज़ेन्थैलिया क्या करता है, प्रवाल भित्ति के लिए भोजन बनाता है, यानी प्रवाल के लिए भोजन बनाता है, और प्रवाल क्या करती हैं, उन्हें अपने में ना अपने स्ट्रक्चर में घर देती है। ठीक है, तो ज़ूज़ेन्थैलिया प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, और कोरल रीफ ज़ूज़ेन्थैलिया को क्या करता है, घर देता है, और ज़ूज़ेन्थैलिया कोरल को क्या देता है, भोजन देता है। ठीक है, तो इसी रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, उसी का हिंदी होता है अन्योन्याश्रित। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। चलिए बात करते हैं, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोथुली। ठीक है, क्या बोलते हैं, गोथुली। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के ऊपर, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको बोलते हैं परोपजीवी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं अनुग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? तो दोस्तों दो पर्वतों के बीच की भूमि जो है ना वो उपत्यका कहलाती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, जिसे पार करना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे? दोस्तों उसे हम दुर्गम कहेंगे, अभी मैंने बताया था आपको, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए, जो शत्रु की हत्या करता है उसको हम क्या बोलते हैं? दोस्तों उसको हम बोलते हैं शत्रुघ्न। ठीक है, तो शत्रुघ्न किसका नाम था? ठीक है, और उन चारों भाइयों में सबसे बड़े भाई का नाम क्या था, जल्दी से बताएं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 के ऊपर, जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम क्या कहते हैं? तो आप बचपन से ही बोलते हैं उसको पारदर्शी। ठीक है, क्या बोलते हैं, पारदर्शी। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के ऊपर, हर कार्य को देर से करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दीर्घसूत्री। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के ऊपर, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। ठीक है, तो इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? दोस्तों इसको हम बोलेंगे पदावन्नति। ठीक है, क्या बोलेंगे, पदावन्नति। ठीक है, पदावन्नति बोलेंगे। ठीक है, इसका सही उच्चारण क्या होगा, पदावन्नति। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 32, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्येष्ठ। क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के ऊपर, वह वस्तु जो नाशवान हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं नश्वर। क्या बोलते हैं, नश्वर। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, ठीक है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, तो दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे परित्यक्ता। क्या बोलेंगे, परित्यक्ता। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 35 के ऊपर, साहित्य से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्या कौन सा होता है, किसे क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम साहित्यिक। क्या बोलते हैं, साहित्यिक। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 36, जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों उसको बोलते हैं सुलभ। क्या बोलते हैं, सुलभ। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए, जिसका भोजन दूध ही होता है, ठीक है, जो केवल दूध ही भोजन करता है उसको हम क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम बोलते हैं दुग्धाहारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 के ऊपर, बिना घर का जो व्यक्ति हो उसको हम क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम बोलते हैं अनिकेत। क्या बोलते हैं, अनिकेत। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के ऊपर, हमेशा रहने वाला, ठीक है, हमेशा रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? शाश्वत। ठीक है, शाश्वत कहते हैं, याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 40 देखिए, अगोचर का व्याख्यान क्या होगा? प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसको बोलते हैं अगोचर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 के ऊपर, युयुत्सु का व्याख्यान क्या होगा? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, युयुत्सु का व्याख्यान क्या होगा जल्दी से बताएं। युद्ध करने की इच्छुक जो हो उसको हम बोलते हैं युयुत्सु। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या है। प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, क्या है प्रत्युत्पन्नमति, इसको हम इसका व्याख्यान क्या होगा दोस्तों। देखिए पहले इजी आपने देखा, अब थोड़े से डिफिकल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका व्याख्यान होगा जो तत्काल उत्तर दे सके उसको हम बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, क्या बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 के ऊपर। अंकेक्षक, इसका व्याख्यान आपको बताना है। प्रश्न नंबर 43 का व्याख्यान है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए। जिजीविषा, ठीक है, इसका व्याख्यान क्या होगा। प्रश्न नंबर 44 का व्याख्यान दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की इच्छा, उसको बोलते हैं जिजीविषा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 45 के ऊपर। पार्थिव, पार्थिव का व्याख्यान क्या होगा। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको हम बोलते हैं पार्थिव। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 46 के ऊपर। यायावर, ठीक है, इसका व्याख्यान क्या होगा। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक स्थान पर टिककर न रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, यायावर। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 के ऊपर। पृष्ठभ्य, पृष्ठभ्य का व्याख्यान क्या होगा दोस्तों। पृष्ठभ्य का व्याख्यान होगा ऑप्शन नंबर ए, पूछने योग्य। ठीक है, पृष्ठन, पृष्ठभ्य। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 48 के ऊपर। रवि, ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। ठीक है, तो ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, ये तो आपको भी पता होगा, है ना, उसको बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 के ऊपर। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। ठीक है, तो कोई आकार नहीं होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, उसके लिए एक शब्द होगा निराकार। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 50 के ऊपर। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, यानी आंखों के सामने। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो आज का सेशन हम 50 क्वेश्चन के साथ संपन्न करते हैं, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट इसका लेके आएंगे। तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए, जल्दी जल्दी से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, रिविजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम मात्र आपका एक महीना है। ठीक है, मैक्सिमम एक महीना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद दोस्तों, चलिए जय हिंद, जय भारत।